बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने OSI मॉडल के टॉपिक का आवाज किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि OSI मॉडल क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, और साथ के साथ हमने इसकी दो लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर्स की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम OSI मॉडल की बाकी लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सेशन लेयर जो कि OSI मॉडल की थर्ड लेयर है। सेशन लेयर में सेशन क्या है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसका रिस्पांस देता है, तो दरअसल सर्वर एक सेशन क्रिएट करता है जिसमें दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद वो दोनों कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन करते हैं, डाटा को सेंड और रिसीव करते हैं, और जैसे ही कम्युनिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो सेशन टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ये सेशन को एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना और मैनेज करना सेंडर और रिसीवर के दरमियान, ये काम होता है सेशन लेयर का। ये सेशन लेयर कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो पहला काम करती है वो है ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो अगर आपने उस पर पहले से साइन अप किया हुआ है तो वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगती है। जैसे ही आप सही यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं तो वो आपके लिए एक सेशन क्रिएट कर देती है, जिसके जरिए आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यानी सेशन क्रिएट करने के लिए जो पहला अमल है वो है ऑथेंटिकेशन। और सेशन क्रिएट हो जाने के बाद सेशन लेयर जो दूसरा फंक्शनैलिटी आपको प्रदान करती है वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मींस आप उस वेबसाइट पर कौन से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से डाटा को नहीं एक्सेस कर सकते, ये भी सेशन लेयर का काम होता है, यूजर को प्रिविलेजेस देना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो कि ये वेबसाइट आपको दिखा रही है। आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, इस वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बैकएंड पे चीजें होंगी वो आप नहीं देख सकते। तो ये कौन डिसाइड करता है कि यूजर को कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं, ये भी सेशन लेयर का काम होता है। इसके बाद जो अगली फंक्शनैलिटी सेशन लेयर प्रोवाइड करती है वो है एडिंग चेक पॉइंट। दोस्तों, चेक पॉइंट मीन्स अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सेशन एक्सपायर हो जाता है, मीन्स सर्वर आपको एक टाइम लिमिट देता है, 5 मिनट्स 2 मिनट्स के लिए सेशन प्रोवाइड करता है, और जैसे ही टाइम लिमिट खत्म होती है तो आपके पास सेशन एक्सपायर का मैसेज आ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ डाउनलोड कर रहे थे और सेशन एक्सपायर हो गया, तो क्या आप दोबारा शुरू से डाउनलोडिंग करेंगे? तो ऐसे में सेशन लेयर चेक पॉइंट्स आपके डाटा के साथ ऐड कर देती है, मींस अब आपकी डाउनलोडिंग शुरू से नहीं होगी, बल्कि अगर 1000 MB की फाइल है जो कि डाउनलोड हो रही थी और आपने सेशन लेयर के अंदर हर फाइल के साथ 200 MB के बाद चेक पॉइंट लगा दिया, तो अब अगर 200 MB का डाटा डाउनलोड हो चुका था और आपका सेशन एक्सपायर हो गया, तो अब 200 MB के बाद से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी और शुरू से नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका वक्त बच जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेटिंग अप एंड मैनेजिंग कनेक्शन एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल दैट आर डाउनलोडेड। यानी ये सेशन को सेटिंग अप और मैनेज करती है, और साथ के साथ आपकी फाइल्स जो डाउनलोड हो रही होती हैं उसको भी साथ के साथ मैनेज करती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो फोर्थ लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड डिलीवरी, यानी इसको पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी कहा जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है। आमतौर पर एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, आप डाउनलोडिंग भी कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड को ईमेल भी भेज रहे होते हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, आपके इस गूगल क्रोम पर मौजूद जितने भी टैब्स हैं उनको अलग अलग पोर्ट नंबर दे देती है। यानी जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको अलग अलग पोर्ट नंबर दे दिया जाता है। और आप फॉर एग्जाम्पल अपने किसी दोस्त को ईमेल कर रहे हैं जो कि इस नेटवर्क में मौजूद है, और इस दोस्त के कंप्यूटर में भी मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होंगे, तो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर इसको भी, यानी इसके गूगल क्रोम पर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको पोर्ट नंबर दे देती है। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि पोर्ट नंबर देने का फायदा क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर एक बड़े से डाटा को छोटे छोटे डाटा यूनिट्स में ब्रेक करती है, कैसे, और उसके अंदर सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यानी सोर्स का प्रोसेस नंबर और डेस्टिनेशन का प्रोसेस नंबर ऐड कर देती है।
का फायदा ये होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं और आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में भी मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो ये डेटा यूनिट ये बताता है कि कौन से प्रोसेस के बाद, यानी कौन से प्रोसेस के पास कौन सा डेटा जाएगा। अगर आप ईमेल कर रहे हैं और आपका प्रोसेस नंबर है 3, तो इस सोर्स पोर्ट नंबर के अंदर 3 आ जाएगा। और आपके दोस्त के पास भी मल्टीपल टैब्स ओपन है, उसके पास भी मल्टीपल पोर्ट नंबर है, और उसको जो ईमेल रिसीव होगी उसका पोर्ट नंबर है 45। तो ये डेटा यूनिट इसके अंदर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 45 डाल देगा। तो इससे आपके दोस्त के पास उसी प्रोसेस के पास ईमेल जाएगी जिसका पोर्ट नंबर यहाँ लिखा होगा, यानी कि किसी गलत एड्रेस के पास, किसी गलत प्रोसेस के पास आपका डाटा नहीं जाएगा, इसीलिए सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर डाला जाता है। और साथ के साथ इस डाटा यूनिट के अंदर सीक्वेंस नंबर भी ऐड कर देती है। सीक्वेंस नंबर ऐड करने का फायदा ये होता है कि जब हम बाद में इस डाटा यूनिट को एक साथ जोड़ेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बुक के अंदर आमतौर पर वो सीक्वेंस नंबर पर मुश्तमिल होती है, सीरियल नंबर होता है 1, 2, 3, यानी पेजेस नंबर होते हैं। उन पेजेस से ये फायदा होता है कि अगर बीच से कोई पेज गायब भी होता है तो आपको पता लग जाता है उसके सीरियल नंबर के थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही अगर बीच से कोई डाटा यूनिट मिस हो जाता है तो आपको उसके सीक्वेंस नंबर के थ्रू पता लग जाएगा। अगर एक बड़ा डाटा है जो कि 4 डाटा यूनिट्स के अंदर ब्रेक हुआ है, 4 डाटा यूनिट्स का मतलब है सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3, 4, और अगर रिसीवर को सीक्वेंस नंबर 1 मिल जाता है, 2 मिल जाता है और 4 मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको पता लग जाएगा कि सीक्वेंस नंबर 3 मिस हो गया है। तो इसीलिए इस बड़े डाटा को छोटे डाटा यूनिट में ब्रेक करने के साथ साथ इसके अंदर ये दोनों चीजें भी ऐड कर दी जाती हैं। इस तरीके ये डाटा यूनिट को कहा जाता है सेगमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पोर्ट नंबर हेल्प टू डायरेक्ट ईच सेगमेंट इनटू अ करंट एप्लीकेशन, यानी जिस एप्लीकेशन के पास आपके प्रोसेस को जाना है उसके ऊपर इसको डायरेक्ट करता है। और सीक्वेंस नंबर हेल्प टू डी असेंबल द डाटा, यानी जब आप डाटा को एक साथ जोड़ेंगे तो सीक्वेंस नंबर उसके अंदर आपकी मदद करता है। दोस्तों, इस बड़े से डाटा यूनिट को छोटे छोटे इस बड़े से डाटा को छोटे छोटे डाटा यूनिट्स में ब्रेक करने के अमल को कहा जाता है सेगमेंट। और ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम होता है डाटा को सेगमेंट में तब्दील करना, तो इस अमल को कहा जाता है सेगमेंटेशन। के बाद जो दूसरा काम, दूसरी फंक्शनैलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर फराहम करती है वो है फ्लो कंट्रोल। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है और आप उसको डाटा सेंड कर रहे हैं, आपका मोबाइल की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत तेज स्पीड का मोबाइल है, लेकिन आपके फ्रेंड के मोबाइल की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में आप तो तेजी के साथ डाटा सेंड करेंगे लेकिन आपके दोस्त को उस स्लो स्पीड के अंदर रिसीव होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे डाटा के लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए फ्लो कंट्रोल करती है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर को ये बताती है कि उसको कितनी तेजी के साथ या कितनी हल्की स्पीड में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो तीसरी फंक्शनैलिटी फराहम करती है वो है एरर कंट्रोल। अब रिसीवर को कैसे पता चले कि जो डाटा उसको मिला है उसमें एरर है। फॉर एग्जाम्पल, सेंडर सेंड करता है M जबकि रिसीवर को मिलता है N, तो ऐसे में रिसीवर को कैसे पता चले कि उसके डाटा में एरर है। तो डाटा को एरर से बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर उस छोटे से डाटा यूनिट जिसको हमने सेगमेंट कहा था उसके एंड में कुछ सेगमेंट बिट्स, कुछ चेकसम बिट्स ऐड कर देती है। उस चेकसम बिट्स को ऐड करने का फायदा ये होता है कि अगर वो बिट्स सेंडर और रिसीवर के पास एक जैसी हैं तो मींस आपके डाटा में कोई एरर नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम होता है डाटा को सेगमेंट में कन्वर्ट करना बाय एडिंग पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर, और उसके साथ साथ डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना और डाटा को एरर से बचाना। के बाद जो अगली लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। दोस्तों, नेटवर्क लेयर ये बताती है कि अगर दो अलग अलग नेटवर्क हैं, एक स्टार नेटवर्क है और दूसरा है रिंग नेटवर्क, और इन दोनों नेटवर्क्स में के कंप्यूटर, यानी इन दो अलग अलग नेटवर्क्स के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डाटा को सेंड और रिसीव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए नेटवर्क लेयर जो पहली फंक्शनैलिटी फराहम करती है वो है सेगमेंट को, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से इसको मिलता है, उसको पैकेट में कन्वर्ट करती है। कैसे? उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस डालकर, और आईपी एड्रेस को हम पहले भी देख चुके हैं कि आईपी एड्रेस में स्टार्ट की बिट्स बताती हैं कि आपका नेटवर्क कौन सा है और एंड की बिट्स ये बताती हैं कि उस नेटवर्क में कौन सा कंप्यूटर कम्युनिकेशन करना चाहता है।
तो डियर फ्रेंड्स, ये एक आईपी एड्रेस है, इसमें स्टार की बिट्स बताएंगी कि स्टार नेटवर्क है, बस नेटवर्क है, और ये जो एंड की बिट्स हैं ये बताएंगी कि कौन सा कंप्यूटर उस स्टार नेटवर्क के अंदर कौन सा कंप्यूटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंडर का आईपी एड्रेस है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये सेंडर किस रिसीवर को डाटा भेज रहा है तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ आ जाएगा, और उस आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क की बिट्स भी मौजूद होंगी और होस्ट की बिट्स भी, जो कि ये बताएंगी कि इस रिसीवर का नेटवर्क कौन सा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आईपी एड्रेस से ये पता लग जाता है कि किस नेटवर्क का कौन सा कंप्यूटर है, और उस पैकेट में सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस मौजूद होता है। इस तरह नेटवर्क लेयर का पहला काम है सेगमेंट को पैकेट में कन्वर्ट करना। इसके बाद इसकी दूसरी फंक्शनैलिटी है राउटिंग। दोस्तों, राउटिंग राउटर से निकला है, तो नेटवर्क लेयर पर जो डिवाइस यूज होती है वो आमतौर पर राउटर होती है। हम ये जानते हैं कि इंटरनेट एक ओपन सिस्टम है और जिसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कई तरह के लॉजिकल पाथ्स मौजूद होते हैं, यानी कई तरह के रास्ते मौजूद होते हैं। तो नेटवर्क लेयर ये बताती है कि आपका डाटा किस रूट से, किस रास्ते से जाएगा, और ज्यादातर ये शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करती है जिसमें ट्रैफिक भी कम हो, ताकि डाटा तेजी के साथ रिसीवर के पास पहुंच सके। इस तरीके से नेटवर्क लेयर का काम है सेगमेंट्स को पैकेट्स में कन्वर्ट करना बाय एडिंग आईपी एड्रेसेस और डेटा का रूट डिसाइड करना। नाउ द सिक्स्थ लेयर इज डेटा लिंक लेयर। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट करती है, नेटवर्क लेयर मशीन टू मशीन, और डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड कम्युनिकेट करती है। नोड टू नोड मीन्स ये एक नेटवर्क है, इसमें ये नोड है, तो अगर उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो पहले उसे इस डिवाइस से गुजरना होगा। तो ये डिवाइस कहलाएगी नोड, यानी अब जो सबसे पहले कम्युनिकेशन होगी वो इस नोड से इस नोड के दरमियान होगी। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है, डेटा लिंक लेयर का काम होता है नेटवर्क लेयर से आने वाले पैकेट को कन्वर्ट करना फ्रेम में, और उस फ्रेम में डाल देगी इन दोनों नोड्स का मैक एड्रेस। दोस्तों, मैक एड्रेस मैंने पहले भी आपको बताया था कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनीज हर डिवाइस को एक एड्रेस देती हैं, जो कि मैक एड्रेस कहलाता है। तो दोस्तों, डेटा लिंक लेयर का पहला काम है पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करना बाय एडिंग मैक एड्रेसेस। दोस्तों, इसका दूसरा काम है फ्लो कंट्रोल। दोस्तों, फ्लो कंट्रोल तो नेटवर्क लेयर में भी हो रहा था, नेटवर्क लेयर में भी ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो मशीन टू मशीन था, लेकिन अब ये इन दोनों नोड्स के दरमियान डेटा को कंट्रोल करेगा कि इन दोनों नोड्स के दरमियान डेटा कितनी तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसको कंट्रोल करने के अमल को फ्लो कंट्रोल कहा जाएगा, जो कि डेटा लिंक करती है नोड्स के दरमियान। की तीसरी फंक्शनैलिटी है एरर कंट्रोल। दोस्तों, एरर कंट्रोल भी नेटवर्क लेयर के अंदर हम कर रहे थे, मगर वो एरर कंट्रोल हो रहा था सेंडर और रिसीवर के दरमियान, यानी जब डेटा इस जगह पहुंच जाता था तब आपको एरर का पता लगता था। अब आप क्या दोबारा, जब आपको यहाँ पर एरर का पता लगेगा फिर दोबारा से यहाँ से ट्रांसमिशन होगी, डाटा यहाँ आएगा और फिर जाके आपको सही डाटा रिसीव होगा, तो इसके अंदर बहुत सा वक्त लगता था। तो इसीलिए डाटा लिंक लेयर नोड टू नोड एरर कंट्रोल करती है। जब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पता लग जाएगा कि एरर क्या है, तो आप फॉरन इसको रिट्रांसमिट करेंगे। जब आप रिट्रांसमिट करेंगे तो इसको सिर्फ इतना टाइम लगेगा, यानी थोड़ा सा वक्त लगेगा डाटा को दोबारा भेजने में। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा वक्त ज्यादा है, यानी एरर अगर हमें यहाँ पता लगेगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा रिट्रांसमिट करने में, या फिर इस जगह पर। तो इसीलिए नोड टू नोड एरर कंट्रोल किया जाता है, ताकि तेजी के साथ दोबारा डाटा को रिट्रांसमिट किया जा सके। इसके बाद जो इसकी तीसरी फंक्शनैलिटी है वो है एक्सेस कंट्रोल, कि अगर एक नेटवर्क में एक से ज्यादा नोड्स डाटा सेंड करना चाहती हैं तो कौन सी नोड पहले डाटा को सेंड करेगी और कौन सी नोड बाद में, तो ये चीज भी डाटा लिंक लेयर आपको प्रोवाइड करती है। इस तरीके से डाटा लिंक लेयर पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करती है बाय एडिंग मैक एड्रेसेस, देन नोड टू नोड फ्लो कंट्रोल करती है, नोड टू नोड एरर को कंट्रोल करती है, और नोड टू नोड एक्सेस को कंट्रोल करती है। अब है सेवन लेयर और आखिरी लेयर फिजिकल लेयर। दोस्तों, इसके बाद अगली लेयर थी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करती है, यानी जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है, जो कंप्यूटर्स डाटा को समझते हैं वो बिट्स की शक्ल में होता है, और जब उस डाटा को
किसी दूसरे रिसीवर के पास भेजना होता है तो एक किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडिया यानी केबल्स के थ्रू भेजना होता है, और केबल्स आमतौर पर सिग्नल्स को समझती हैं, तो फिजिकल लेयर इस बिट्स पर मौजूद डेटा को सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद रिसीवर के फिजिकल लेयर को दे देता है। दोस्तों यहाँ तक ये तमाम प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर यानी जितनी भी OSI मॉडल की लेयर्स थी, यहाँ तक इसकी फंक्शनैलिटीज कंप्लीट हुई। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने तमाम डेटा को एनक्रिप्ट किया है, यानी उसके अंदर मजीद बिट्स ऐड की हैं, एड्रेसेस ऐड की हैं, जबकि रिसीवर के एंड पर जो तमाम लेयर्स होती हैं वो डेटा को डिक्रिप्ट करती हैं, यानी जो जो चीज़ें हमने ऐड की होती हैं ये उनको निकालती हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर रिसीवर की आने वाले सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट करती है जो कि फ्रेम की शक्ल में होता है, कि उस फ्रेम को डेटा लिंक को दे देती है। डेटा लिंक लेयर उस फ्रेम में से मैक एड्रेसेस निकाल देती है। जब उस फ्रेम में से मैक एड्रेसेस निकल जाएंगे तो वो पैकेट बन जाएगा, जो उस पैकेट को नेटवर्क लेयर को देगी। नेटवर्क लेयर उस पैकेट में से आईपी एड्रेसेस निकाल देगी, और जब उस पैकेट में से आईपी एड्रेसेस निकल जाएंगे तो वो बन जाएगा सेगमेंट। सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी, ट्रांसपोर्ट लेयर उसके अंदर से पोर्ट नंबर्स निकाल देगी और जो सीक्वेंस नंबर होंगे उसको रीअसेंबल कर देगी। यानी यहाँ पर सीक्वेंस नंबर काम आते हैं जब उस डेटा को एक साथ जोड़ा जाता है टू द सीक्वेंस, उस तमाम डेटा को यूनिट्स को, छोटे छोटे डेटा यूनिट्स को एक साथ जोड़कर सेशन लेयर को दे देगी। सेशन लेयर के पास जब डेटा पहुंच जाएगा तो ये इन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा, और उस डेटा को प्रेजेंटेशन लेयर, और देन प्रेजेंटेशन लेयर उसको एप्लीकेशन लेयर को दे देगी। इस तरीके से सेंडर और रिसीवर के दरमियान डेटा सेंड और रिसीव होता है थ्रू द OSI मॉडल। दोस्तों अगले लेक्चर में हम इंटरनेट और उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे,